Welcome to our world. Hey guys, I'm so excited. Welcome to our YouTube channel. So AR Vlogs is basically A is me, Aira, and R is Riya Bhanushali. So हम लोग ने फाइनली डिसाइड किया कि हम यूट्यूब चैनल खोलें, बट 5 महीने से हम डिसाइड कर रहे थे, सोच रहे थे कि हम खोले. फाइनली शायद ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा जो हम अपलोड करेंगे, एंड ये फर्स्ट वीडियो है रिया के बर्थडे सेलिब्रेशंस का. सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. अभी फिलहाल उसके प्रिपरेशंस का ये चल रहा है. आई मीन उसके बर्थडे के अरे कहना क्या चाहते हो? सॉरी, बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, बट उसके बर्थडे के सेलिब्रेशन का प्रिपरेशंस चल रहा है. यस, सॉरी, आई जस्ट वांट टू बी अनफिल्टर्ड और मुझे बार बार टेक्स नहीं लेने हैं. सो जस्ट टेक इट गाइज. सो या, सो अब तो पूरा वीडियो बचा है जिसमें हम सारे एडिट्स करेंगे, एंड मेरी और रिया की दोस्ती को 5 साल हो गए हैं. ओह माय गॉड, तो 5 साल के बाद हम लोग ने ये फाइनली डिसाइड किया कि हम यूट्यूब चैनल खोलेंगे, एंड हम बहुत सारी मस्ती करेंगे. सो या गाइज, आई जस्ट वॉन्ट कि यू ऑल सपोर्ट अस इन दिस जर्नी, एंड हमारे साथ रहना. आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और बहुत मस्ती होने वाली है. आई स्वेयर, जस्ट स्टे विद अस. अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा एडिटिंग चल रहा है. तो गाइज ये देखो, ये एडिटिंग का सब सेटअप चल रहा है. सो वो एडिटिंग का जब मैं, मतलब इट्स नॉट लाइक एडिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं उसके लिए, उसके बर्थडे के लिए एक वीडियो बनाने वाली हूँ. तो मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाली हूँ, एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं उसको गिफ्ट क्या दूँ. तो बस सोचते हैं क्या गिफ्ट दे सकते हैं. उसने मुझे मेरे बर्थडे पे, बाय द वे, उसने मुझे ये स्मार्ट वॉच दी है. अब मैं सोच रही हूँ कि उसको बर्थडे पे मैं क्या गिफ्ट करूँ. बट बिफोर दैट, अभी बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी बची हैं, बहुत सारे लोगों से आप लोगों को मिलवाना बचा है. तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम लोग सबको मिलोगे. बाय फॉर नाउ. हम बैठे हैं रिया के दूसरे सोसाइटी में. अभी हम टाइम पास कर रहे हैं. अभी मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड करूंगी 26th को, और फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग का 26th तो बहुत सेक्सी प्लान है. तो किसी की नजर ना लगे, इसलिए हम किसी को प्लान नहीं बता रहे ताकि किसी की नजर ना लगे. या हम लोग के लोनावला के प्लान को नजर लग गई. यस, but it's okay. हम मिलते हैं. Where there is our people, there is our home. What? क्या बोलो? Where there is, there are बोलना चाहिए था. गलत इंग्लिश. ये तूने क्या बोला? वहीं नहीं जाने दो. Where there is, जो भी. Where there is a will, there is a way. कुछ भी. खत्म. कुछ भी है. कहीं भी कुछ भी डाल लेने का. Bye guys. हम लोग आए हैं 26 का के सामान खरीदने यहाँ पे. यस, 26 के प्लान के लिए. और मैं अभी जस्ट मेरे इज्जत का फायदा करके आ चुका हूँ. ज़रा बताना तो प्लान क्या. मैंने बेसिकली कहाँ गया, ये देखो गाइस, ये दिख रहा है आपको. मैंने अभी जस्ट उसको स्क्रब समझ के लिया, बट एक्चुअली है शू पॉलिश. हम लोग सब हंस हंस के हो गए हैं. इज्जत का फालूदा हो गया. अभी हम करेंगे बिलिंग. तो आज है 25th, और जैसे कि आप लोगों को हमने बताया था कि 26 का हमारा प्लान है, तो कल हम लोगों ने हमारे लिए सेक्सी आउटफिट्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं. तो उस आउटफिट में पहनने के लिए फिलहाल हम शूज़ देख रहे हैं. सो लेट्स सी
क्या करना है क्या नहीं. सो अभी के लिए तो प्लीज़ मेरा रूम इग्नोर मार देना, ये बहुत ज़्यादा मैसी है. अभी मैं मेरी एक फ्रेंड के साथ मॉल जाऊँगी, बट उसको वो कैमरा शाय है तो उसको मैं नहीं दिखाऊँगी कैमरा पे. कैमरा पे सिर्फ मैं आऊँगी आप लोगों के सामने. सो यस गाइस, एंड बस वही. सो गाइस ये मेरा आउटफिट है, रेडी है जाने के लिए. तो अभी मैं थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ, थोड़ा सा छोटा मोटा सा टचअप कर लेती हूँ, फिर हम आपको मिलेंगे मॉल में. तो गाइस अभी हम मॉल आ गए हैं उसमें जिसके. खैर यहाँ पे शूज है ही नहीं, जाने देते हैं, बाहर चलते हैं. यहाँ पे बहुत अच्छी ज्वेलरीज है जो मुझे एक्चुअली बहुत अट्रैक्ट कर रही है. उनकी हम चलते हैं फैशन फैक्ट्री में. हर शॉप ट्राई कर लिया लेकिन मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल ही नहीं रहा है. बस अब मैं गिव अप कर रही हूँ. हम अभी फ़िलहाल वापस ऊपर जा रहे हैं. मैं अभी -1 में हूँ, आई मीन मैं अंडरग्राउंड हूँ. अब मैं ऊपर जा रही हूँ. बाय गाइस, चलो नारा. सो गाइस अभी मैं मॉल के मैकडॉनल्ड्स के यहाँ बैठी हूँ. अच्छा, हमको सिखा रहा है. टोटली गिव अप करने के बाद अब हमने डिसाइड किया है कि हम जा रहे हैं दूसरे मॉल. बट उस जिसने मॉल में हमें मिलेगी रिया, मतलब उस मॉल में नहीं मिलेगी रिया, जर्नी में ही साथ में रिया मुझे यहाँ से पिकअप करके हम दूसरे मॉल जा रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला, जो मुझे चाहिए था वो मुझे डेफिनेटली नहीं मिला. और अब मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया और मुझे नहीं लगता कि दूसरे मॉल में भी मुझे वो मिलेगा. मतलब मिल तो जाएगा बट लेट्स सी, लेट्स सी. अभी तो मेरा बजट उतना हैवी नहीं और एक ही दिन के लिए चाहिए तो मैं ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना चाहती हूँ उन शूज़ पे. वैसे तो मेरे पास है पैसे बट मैं उतना स्पेंड नहीं करना चाहती. सो या एनीवेज, तो हम मिलते हैं दूसरे मॉल में. हम मिलते हैं रिया के साथ अब. बाय. ओके लोग अभी दूसरे मॉल जा रहे हैं. आई होप वापस हमें इसके पसंदीदा शूज मिले. मैंने ट्रेन हर शॉप जाके देखा वहाँ पर मेरे रेंज में बेचारी. तो अभी देखते हैं किसके नसीब कितने अच्छे हैं. लेट्स सी, देखते देखते हैं. और अभी हम मॉल में मिलते हैं गाइस. गाइस हम दूसरे मॉल तो आ गए हैं. रिया भी फिलहाल अलग हो गई है क्योंकि उसके कुछ अलग काम है. आई रियली होप अभी इस मॉल में मुझे जो चाहिए वो मिल जाए. बस प्रेइंग टू गॉड. ओह गॉड, एक बार दिला दे. और मुझे लगता है कि फिर से कुछ तो गड़बड़ होने वाला है. लेट्स सी. आई एम
सो बैड एट रिकॉग्नाइजिंग द स्टाफ. आई मीन मैं दो बार ऑलरेडी अपने इज्जत का फल कर चुकी हूँ और खुद को एम्बेरस कर चुकी हूँ. बिकॉज दो बार मैंने कस्टमर्स को स्टाफ समझ लिया. ओ भाई मारो मुझे मारो मारो. एंड अब नो मोर. अब मैं रिस्क ही नहीं ले रही. अब मुझे पूछना ही नहीं है किसी को कुछ. बस हो गया. मुझे मिल नहीं रहा. मुझे एक अच्छे लगे बाय द वे. मुझे अच्छे लगे. अब देखते हैं पहन के होता है कि नहीं होता. फाइनली गाइज मुझे शूज मिल गए. फाइनली अब मैं नहीं दिखा रही जो मैं ले रही हूँ. अब मैं सीधा कल दिखाऊंगी जब मैं पूरा आउटफिट पहनूंगी. तो मैं डायरेक्ट कल ही मेरे शूज दिखा दूंगी गाइज. फाइनली आई एम सो हैप्पी राइट नाउ. अब गाइज हमें आज के दिन बहुत सारे काम हैं. सो अभी शूज़ ले लिए हैं. अब मैं फूड कोर्ट जा रही हूँ कुछ खाने. फिर हमें रिया के लिए प्रिंट आउट्स निकालने हैं. फिर उसके लिए लाइटिंग्स लेनी है. सारा के साथ बहुत काम करने हैं. सो मैं फटाफट खा के घर जाऊँगी. थोड़ा रेस्ट करूँगी और तुरंत निकल जाऊँगी प्रिपरेशंस करने के लिए रिया के लिए. मैं तो थक गई भाई. मैं तो फिर से थक गई. बहुत मेहनत वाला काम है. आज का दिन थोड़ा टायरिंग है. एंड आज का दिन एक्चुअली बहुत टायरिंग है. बिकॉज रात को बैठ के मुझे उसके लिए एडिट भी बनाना पड़ेगा. क्योंकि एडिट हमने कल बनाया नहीं. अब मैं एक्चुअली घर जाके एडिट बनाऊंगी. यस मेरे पास रेस्ट करने का भी टाइम नहीं है. क्योंकि अगर रात को मैंने नींद नहीं ली तो कल सुबह मैं फ्रेश होंगी नहीं. बस कल सुबह हमें 7:04 की ट्रेन पकड़नी है CST के लिए. जैसे कि हम लोग का प्लान है कल का डे आउट. हम सब बहुत एक्साइटेड हैं. सो यस हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद. अभी शाम के 7 बज रहे हैं और हम निकल गए हैं रिया के रूम डेकोरेशन के सामान लेने. और हमें सारा मिलेगी अब. सो या अभी फिलहाल मैं लाइट्स वगैरह देखने जा रही हूँ उसके रूम के लिए. आई होप जो मैंने सोचा है वैसा ही हो. आई रियली होप. आई जस्ट डोंट वांट टू मेस अप थिंग्स. So guys, that's it for the video. Thank you so much for joining me on this journey. If you like the video, please consider subscribing and hitting the notification bell. I am new to vlogging, so apologies if there were any hiccups in part 1, but your patience is greatly appreciated. Stay curious and I promise part 2 is worth the wait. So till then, take care. Goodbye. Radhe Radhe.